भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने घोषणा की कि सातवें वेतन आयोग की 25% राशि दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिल जाएगी, वहीं बचे हुए इंक्रीमेंट एरियर का भी जल्द भुगतान किया जाएगा। उधर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये कौन सी नई बात है। देखिए, बहुत बड़ी सौगात है। कोविड के कारण आर्थिक स्थितियां स्वाभाविक तौर पर प्रदेश या देश की ही नहीं दुनिया की डगमगाई है, लेकिन आर्थिक संयम अनुशासन बरतते हुए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में तमाम प्रकार के कल्याणकारी काम, चाहे वो गरीबों के हों, किसानों के हों, चलाने का काम किया है, विकास कार्यों को गति देने का काम किया है। अब दीपावली के पहले कर्मचारियों को अभी सौगात देने का मामला बनता था और सातवें वेतन आयोग की जो किस्त मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा की है वो अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। कांग्रेस को तो कभी कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। हमें कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करना है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए। हमें कांग्रेस के कल्याण के लिए थोड़ी काम करना है। कांग्रेस का काम केवल गाल बजाने का है, वो गाल बजाते रहें। ये सब घोषणा है, फैसला उन्हें लेना चाहिए कैबिनेट में। एक चीज़ नीतिगत फैसला है ये, दूसरी चीज़ ये है कि पिछले कई महीनों से शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, कई सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, डीए के एरियर्स का पेमेंट नहीं हो रहा है, डीए का भुगतान नहीं हो रहा है, जो हमारी सरकार करके गई थी, आज 7 महीने हो रहे हैं। तो आदमी का वो भुगतान करें ईमानदारी से, और ये नई नई घोषणाएं करने का कोई औचित्य नहीं है। ये तो जो है हर सरकार त्यौहार का फेस्टिवल एडवांस देती है, तो इसमें नयापन क्या है। हर सरकार ये काम करती है और हर कॉरपोरेट ये करता है, हर जगह ये होती है बातें, तो इसमें कोई ये कोई ऐसी घोषणा थोड़ी है कि आपने खजाना लौटा दिया है, आप एडवांस दे रहे हैं बाद में वो कटवाएगा, ये तो हर सरकार करती है। तो ये ऐसी हर चीज़ को अपनी महानता में शामिल करना, ये मतलब बहुत उचित नहीं मानता मैं इसको। और दूसरी चीज़, अगर वो लोगों को करना चाहते हैं कि लोगों का त्यौहार अच्छे से मनाएं, तो उनकी तनख्वाह का भुगतान करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय कर्मचारियों को एक और सौगात दी है। उन्होंने 25% वेतन जो है वो दिवाली से पहले देने की घोषणा कर दी है, साथ ही उनके इंक्रीमेंट और एरियर भी एडवांस भुगतान करने की उन्होंने बात कही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर मुख्यमंत्री का दायित्व है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव के साथ मैं अन्य चतुर्वेदी, DNN News भोपाल। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब मध्य प्रदेश में